भक्ति से जुट जाने का भी अवसर है। यह उत्सव समाज में स्वाभिमान जागृत कर उज्ज्वलतर भविष्य की यात्रा में नई गतिशीलता पैदा करने का भी अवसर है। आजादी के बाद लंबे समय तक समाज का जो कलेक्टिव माइंड एक अलग तरह से एक अलग स्थिति में घिरा हुआ था, पीढ़ी दर पीढ़ी इस राष्ट्र की अनमोल संस्कृति हमारे नायाब हीरो कोलाहली कोलाहलों में गुम होते जा रहे। एक तरफ जहां पश्चिम के देश भारत के प्राचीन खजाने का अनुसरण कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम अपने सांस्कृतिक और साहसिक क्रांतिकारी गाथाओं और उपलब्धियों को भूलने लगे। 1913 के आसपास एक जर्मन फिलोसफर थे काउंट हर्मन, उन्होंने भारत की यात्रा की और यात्रा के दौरान अपने अनुभवों पर उन्होंने पुस्तक लिखी, द ट्रेवल डायरी ऑफ अ फिलोसफर। हर्मन कीजरलिंग उनका पूरा नाम था। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक समृद्धि को देखकर वो खुद हैरान थे और उन्होंने लिखा कि भारत पश्चिमी देशों से कहीं बहुत आगे है। लेकिन उस पुस्तक में दूसरा आश्चर्य उन्होंने व्यक्त किया कि वास्तुकला, इंडियन विजडम, संगीत, संस्कृति, आध्यात्म की विरासत यहाँ के विद्यालयों के करिकुलम में शामिल नहीं किया जा रहा है। ये सच है कि कोई भी समाज अतीत में केवल नहीं जी सकता और जीना भी नहीं चाहिए, लेकिन समाज के मानस में उज्ज्वल भविष्य की क्रांति तभी पैदा होगी जब समाज अतीत से प्रेरणा लेकर अपने आदर्शों मूल्यों को सहेज कर आगे बढ़ता है। समाज की मानसिक गुलामी तभी टूटती जब उसमें सांस्कृतिक और वैज्ञानिक चिंतन की नई धारा खुलती है। ये बात आज हम कह सकते हैं कि पिछले 9-10 वर्षों में इसी व्यवस्था के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक हाथ में और दूसरे हाथ में संस्कृति के बहुमूल्य रत्नों को लेकर भारतवर्ष में यहाँ के नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और आने वाले 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प हमने लिया। आज भारत साइंटिफिक डिस्कवरी, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर में दुनिया की सबसे प्रमुख ताकत बन गया है। आज भारत विविधता में एकता को समेटे सबसे जीवंत समाज भी है। युवा भारत ने आज हिम्मत वर एंटरप्रेन्योर्स का एक नया वर्ग खड़ा कर दिया है। नौजवानों के संकल्प नई साइंटिफिक थिंकिंग एवं डिस्कवरी को जन्म दे रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, नए विचारों के मार्गदर्शन, सांस्कृतिक सामंजस्य के लिए सारी दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है। इस अवसर का लाभ उठाकर नौजवान जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, इस ध्येय के साथ युवा उत्सव प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, ऐसा मैं निजी तौर पर मानता हूं। और मैं चाहता हूं समाज